इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि हर सूरे के सामने हर आयत जो पढ़ते हैं आमतौर से, जैसे आयतुल कुर्सी हो गई, कोई भी चीज़ आप शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो टकराने का सवाल नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ सबको कि बिस्मिल्लाह, जब भी मैंने खुला रखा हुआ है कि बिस्मिल्लाह सुन लो या पढ़ लो, उसमें डर नहीं है। उसके साथ अब यासीन पढ़ लो, सूरह जिन पढ़ लो, या आले इमरान पढ़ लो, या सूरह बकरा पढ़ लो, या उन चीज़ों में से कोई आयत पढ़ रहे हो, बिस्मिल्लाह अगर आप कर रहे हो तो यू कैन डू दैट। टकराता नहीं है वो, क्योंकि हर ऑलरेडी वो प्रूवन प्रोसेस है इन द होली कुरान, ऑलरेडी इट्स अ प्रूवन प्रोसेस इन द होली कुरान। बाकी ये कि मैं एक बात बताऊं कि इधर उधर से देख के जो है ना यूट्यूब पे, उस दिन भी एक खातून आई थी, उन्होंने पता नहीं कोई पानी के अंदर पैर डाला, वो पहले जो है वो कोई हील मार रहा है, ये सब रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, ये ना करें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ना करें। और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस के हमारे घर आने का सबसे अफजल सबसे बेहतरीन इबादत या ये कि नफली पढ़ाई या मकसद की पढ़ाई, वो नमाज है और उसके साथ होली कुरान रोज़ाना सुबह उठ के पढ़ें, फिर बरकत देखें। घर फ्रिज खाली क्या बोर्चे खाना भर जाता है, बशर्ते ये कि यकीन वाले लोगों के करें उस तरह। तो ये चीज़ें